है तो मैं पूरी टीम को दुर्गा की बधाई देता हूँ. कॉन्ग्रेट्स देम फॉर कंप्लीटिंग 200 एपिसोड्स. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और द होल टीम. आई तो जॉइंट रिसेंटली लाइक 2-3 मंथ्स बैक. दे रियली वर्क हार्ड. द लीड ऑल्सो, यंग किड्स ऑल्सो जो पहले थे इसमें और जो अब कपल आए हैं, आई हर्ड कि मतलब वो काफ़ी वक्त तक शूटिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए. कुछ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग एक्टर के पास जो भी ऑफर्स आते हैं उसमें से उसको फटाक से चूज़ करना पड़ता है आजकल, नहीं तो बहुत जल्दी वो दूसरे के पास चला जाता है. जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो दो प्रोड्यूसर हैं, प्रदीप और रविंद्र गौतम, वो दोनों मेरे बड़े पुराने मित्र रहे हैं और दोनों को पुराने इंडस्ट्री में और मैं भी कुछ वक्त हो गया अब इंडस्ट्री में, तो जब इनकी तरफ से कॉल आया कि एक ऐसे ऐसे कैरेक्टर है करने के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों ने याद किया. और आई थिंक सिर्फ यही वजह है करने की, अच्छी थी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं पिछले कुछ 3 साल से एक दूसरा शो कर रहा था शो जिसमें मैं बहुत ही गरीब की भूमिका निभा रहा था. उससे पहले मैं कोट पेंट वाले रोल किया करता था तो अब थोड़ा अपर स्टेटस था कहानी में और बड़ा ही क्लीन शेव, नीट एंड क्लीन टाइप आदमी था जैसा मैं था. बट उड़ान में मैंने पूरी अपनी इमेज चेंज की और फिर इसको करने के लिए वापस नीट एंड क्लीन और पूरा सूट बूट में कैरेक्टर आया. और अभी तो उसने एक और फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं कहेंगे, कहानी में एक और नया ट्विस्ट आया कि फर्दर दिखाया कि मेरी बीवी जो है वो तो राजघराने की हैं, तो और भी रॉयल फैमिली से हैं जो मतलब मुझ पर थोड़ा सा दबाव बना के रखती हैं, ऐसा कुछ है जो धीरे धीरे कहानी खुलेगी मुझे भी उतना ही समझ में आएगा, उतना ही शायद आप सबको भी. स्पेशली आजकल के वक्त में जब कुछ चैनल्स पे शो 3 या 4 महीने में बंद हो जाते हैं और 200 कंप्लीट करना वो भी इवनिंग स्लॉट में और अच्छी TRP है. और मैं तो कल ही जब प्रोड्यूसर साहब का एक मैसेज आया देन आई रिवर्ट बैक कि आई होप कि 1000 एपिसोड भी हम लोग इकट्ठे ही सेलिब्रेट करेंगे और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और ये अभी तो काफ़ी स्कोप है शो के अंदर. बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू सो मच. आप सबने हमें इतना प्यार दिया, आप हम सब के साथ में यहाँ तक आए, हमें यहाँ तक लेकर आए हो. सो बिग थैंक्स टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमारा शो देखा, हम सबको पसंद किया और उनके अलावा हमारी पूरी टीम को भी क्रेडिट जाता है. सो थैंक्स टू एवरी वन. आपके कैरेक्टर के क्या किस तरीके के कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं शो में? अभी शिल्पा चौधरी हरियाणा की पटोला है, मतलब वो सज धज के रहती है एकदम कि यू नो लड़के आगे पीछे घूमें और थोड़ी लड़ाकू है, थोड़ी झगड़ालू है लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग कम है. वो कुछ भी करने जाती है वो उल्टा हो जाता है और दुर्गा के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचती है, दुर्गा के खिलाफ, अमृता के खिलाफ, सबके खिलाफ. इस टाइप टोटली ऑपोजिट, मैं अपनी बहनों के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचती. मैं अपनी सब मतलब हम 3 बहनें हैं और उसमें सबसे छोटी मैं हूँ, तो मैं इस टाइप की रही हूँ कि यार बहनों के साथ में रहना, यू नो मिलजुल के इस टाइप का प्यार से. राखी पार्टी वैसे डिफरेंस मैं ये कहूँगी कि आई एक्चुअली चूज टू वेयर ब्लैक. मेरा ब्लैक फेवरेट है, पिंक भी मेरा फेवरेट है बट ब्लैक कम्स ऑन टॉप, तो उसके हिसाब से आज आई एम वेयरिंग पिंक, तो टोटली डिफरेंट है. और बस देखो, आई होप मैं आज अच्छी लग रही हूँ और सब मुझे अच्छा बोले. बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है, उसके लिए तो अभी जैसे स्टार्ट ही हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कितना अच्छे से पार्टी करते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते. ओके, सो सबसे पहले, सो यू वांट मी टू पोज फॉर दैट? या या श्योर, आई विल डू दैट. ओके, शिल्पा ऐसी बिल्कुल नहीं है. शिल्पा थोड़ा ढके ढकाए कपड़े पहनती है बट ठीक है, अब आशना का वो आ गया है और पार्टी मोड है तो ठीक है, ऐसे बनता ही है. मैचिंग मेरा इतना ज़्यादा वैसे रहता नहीं है बट आज ये मेरा पर्स बहुत टाइम से अंदर पड़ा हुआ था, माय बेबी वाज इनसाइड माय वार्डरोब, सो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा कैरी कर लिया जाए, क्या पता सबको चल जाए. फैंस के लिए, आई लव यू ऑल सो मच. ये आप सबके लिए कि आपने मुझे शिल्पा के रूप में अपनाया और हमारे शो को इतना ज़्यादा प्यार दिया. ऐसे प्यार करते रहो हम सबको और ऐसे ही एपिसोड्स बढ़ाते रहो. हम 300 एपिसोड्स की पार्टी देंगे, 500 और आगे अगर आपने चाहा तो बढ़ता रहेगा. ऐसे मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ना 1.5 घंटे पहले ही रेडियो ना स्टार्ट कर दिया. धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. ये दुर्गा का कैरेक्टर तो बहुत डिफरेंट था क्योंकि अब तक मैंने जो भी रोल्स किए थे वो लाइक एकदम मॉडर्न थे और ये एक गांव की एक बहुत लाइक मिस्चीवियस लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई छोड़कर पतंग के पीछे भाग जाती है, इसलिए मैं ये रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. फाइनली
मेरी दुर्गा को हमेशा देखते रहना और मेरी दुर्गा देखना कभी मत छोड़ना, ओके? मैं पार्ट ऑफ इट अभी थोड़े टाइम से ही, बट अभी ऑलरेडी फैमिली जैसा लग रहा है, तो हम बहुत 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 एक्साइटेड हैं एंड यही फिंगर्स क्रॉस है कि आज 200 हैं, कल हो जाएंगे 500, 1000 होपफुली. बर्डन आई वोंट कॉल इट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर एक्टिंग. आई मीन बचपन से ही आई वॉन्टेड टू डू दिस. सो या आई मीन इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील व्हेन यू आर प्लेइंग अ लीड बिकॉज द शो काइंड ऑफ रिलाइज ऑन यू. सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इतना सपोर्ट मिलता है को एक्टर्स से, प्रोडक्शन से एंड फ्रॉम द डायरेक्टर्स, एवरीबडी, दैट खुशी खुशी सब हो जाता है. एक्चुअली मैं शूट से आई हूँ, कम डायरेक्टली फ्रॉम शूट एंड ऑफकोर्स पार्टी मोड में हूँ क्योंकि पिछले आई थिंक डेढ़ दो महीनों से जस्ट बीन वर्किंग 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 वर्किंग. आई थिंक आई एम नॉट इवन गॉट टाइम टू स्लीप. सो आई एम रियली पम्प्ड. आई वॉज वेटिंग फॉर अ डे वेर आई कैन जस्ट लाइक लूज. सो मे बी दिस इज माई डे टू डे. Thank you so much for the amount of love that you all give us. Thank you so much for the support. It means a lot to us. Aise hi support karte rahiye, aise hi apna pyar dete rahiye. It means a lot to us. And let's hope that we can keep entertaining you as much as we can.